सभी का स्वागत है, मैं हूं शुभांकर। दुनिया आज तक में दुनिया भर की हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं दुनिया की टॉप खबरें। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले के भयानक वीडियो जारी किए। यूक्रेन के एयर डिफेंस यूनिट को तबाह करते दिखाई पड़ा जंगी हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल स्ट्राइक जारी। यूक्रेन की आर्मी ने बताया युद्ध में घायल रूसी जवानों के इलाज का इंतजाम नहीं। रूस खारकीव, ज़ेपोरोजिया और खेरसन में सैन्य अस्पताल बनाने की तैयारी में। जंग में खारकीव, एजायम और मारियोपोल में बड़ी संख्या में जख्मी हुए रूस सैनिक। यूक्रेन की प्रोसिक्यूटर जनरल इरियाना ने रूस के खिलाफ युद्ध अपराध के 5,600 मामले दर्ज किए। रूस के 500 नेताओं और सैन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हैं युद्ध अपराध के मामले। इरियाना ने बताया युद्ध अपराध की जांच में शामिल है यूरोपियन यूनियन। रूस यूक्रेन युद्ध में बर्बर हमले झेल चुके बूचा शहर के नागरिकों की मदद के लिए चर्च को किया गया कैंटीन में तब्दील। चर्च अपने फंड से हजारों लोगों के लिए खाने का कर रहा इंतजाम। बूचा में रूस के सैनिकों पर लगे हैं युद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप। चिली की राजधानी सैंटियागो स्थित रूसी दूतावास के बाहर यूक्रेन के समर्थन में उमड़े लोग रूसी हमले का पुरजोर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन के झंडे को लहराते हुए रूस के खिलाफ नारे लगाए। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी। मैक्रों का दुर्विरोधी मरीन ने डाला वोट। नेशनल रैली पार्टी के नेता और राष्ट्रपति उम्मीदवार ने वोट डालने के बाद कहा मेरा वोट फ्रांस की सभ्यता के नाम। इसराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी हमलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। इसराइल के रक्षा सैनिकों को कार्रवाई के लिए छूट दी गई। शनिवार को 100 से अधिक फिलिस्तीनियों ने वेस्ट बैंक में यहूदियों के पवित्र श्राइन पर तोड़फोड़ की। रमजान की शुरुआत से ही वेस्ट बैंक में दोनों देशों के बीच में तनाव जारी। साउथ कोरिया से चौंकाने वाली कोरोना रिपोर्ट आई। देश के 18,87,000 बच्चे कोरोना की चपेट में। 9 साल से कम उम्र के 50% बच्चे कोरोना संक्रमित। साउथ कोरिया में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। अमेरिका के मशहूर सिंगर जैक व्हाइट ने लाइव शो में अपने प्रशंसकों को चौंकाया। संगीतकार ओलिविया जॉन के साथ डेट्रॉइट के म्यूजिक शो में रचाई शादी। व्हाइट ने मौके पर गाया अपना सुपरहिट गाना लेट्स गेट मैरिड। इसराइल की राजधानी यरूशलेम में पाम संडे पर पारंपरिक उत्सवों की धूमधाम से मनाया गया। ईसाई समुदाय में ईस्टर से 40 दिन पहले श्रद्धालु व्रत रखते हैं। ईस्टर से ठीक पहले रविवार को मनाया जाता है पाम संडे। ईसा मसीह के यरूशलेम में प्रवेश के तौर पर पाम संडे को मनाए जाने की मान्यता है। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रविवार को वोट डाले गए। इस बार भी मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के दोबारा सत्ता संभालने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन दक्षिणपंथी राष्ट्रपति उम्मीदवार मरीन ले पेन ने उन्हें टक्कर दे रही है। हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रविवार को पहले दौर की वोटिंग हुई। इस चुनाव में राष्ट्रपति मैक्रों और उनके धुर विरोधी दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन समेत कई उम्मीदवारों ने रविवार को मतदान किया। साथ ही इस चुनाव में आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में 12 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जो कई मायनों में अहम है। मौजूदा राष्ट्रपति मैक्रों दोबारा कुर्सी पर काबिज होने के लिए मैदान में उतरे हैं। वहीं उन्हें सबसे बड़ी टक्कर दक्षिण पंथी विचारधारा रखने वाली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरीन ले पेन से मिल रही है। लेकिन वहीं फ्रांस की जनता का मौजूदा राष्ट्रपति मैक्रों को पूरा समर्थन मिलता भी दिखाई दे रहा है। बता दें रविवार को हुए पहले दौर की वोटिंग में किसी प्रत्याशी को 50% या इससे अधिक वोट नहीं मिलता है, तो पहले दौर के शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच एक रन ऑफ 24 अप्रैल को किया जाएगा और उसके बाद के नतीजे ही फ्रांस का भविष्य तय करेंगे। वहीं सर्वे के मुताबिक राष्ट्रपति पद की दौड़ में राष्ट्रपति मैक्रों 26% के साथ सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पर मरीन ले पेन है। मरीन को 25% लोग पसंद करते हैं। इसके बाद जीन ल्यू 17% के साथ तीसरे नंबर पर है। मतलब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को फिर से चुने जाने का रास्ता लगभग तय है, लेकिन मरीन ले पेन भी कम नहीं है। वो भी इस चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन के साथ पश्चिमी देश मजबूती से खड़े हैं। यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ऑस्ट्रियाई चांसलर कॉल नेहमर ने कीव का दौरा किया। इसके साथ ही शनिवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी यूक्रेन पहुंचे। शुक्रवार को यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने भी कीव का दौरा कर यूक्रेन को हर संभव मदद देने की बात कही। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूसी सेना के पीछे हटने के बाद पश्चिमी देशों के नेताओं का यूक्रेन दौरा शुरू हो गया है। शनिवार को ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर कीव पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश रूस से हर स्तर पर बातचीत के लिए तैयार है। वहीं ऑस्ट्रियाई चांसलर ने यूक्रेन को हर संभव मदद देने की बात कही। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने बूचा शहर का भी दौरा किया, जहां युद्ध से हुई तबाही का जायजा लिया। शनिवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी यूक्रेन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बैठकर युद्ध के ताजा हालात पर चर्चा की। साथ ही बोरिस जॉनसन कीव की सड़कों पर तबाही का जायजा लेते हुए भी नजर आए। इन द लास्ट फ्यू वीक्स The world has found new heroes, and those heroes are the people of Ukraine. When I was here just a few weeks ago, defense intelligence that we had suggested that the Russians believed that Ukraine could be engulfed in a matter of days. And I think that the Ukrainians have shown the courage of a lion, but you, Volodymyr, have given the roar of that lion. शुक्रवार को यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी यूक्रेन का दौरा किया था, जहां उन्होंने राजधानी कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच बैठक में यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल भी मौजूद थे। बता दें कि जंग की शुरुआत में पश्चिमी देशों ने यूक्रेन से दूरी बना ली थी, लेकिन अब पश्चिमी देश न सिर्फ यूक्रेन को आर्थिक मदद दे रहे हैं बल्कि सैन्य मदद भी कर रहे हैं, जिसकी बदौलत यूक्रेन की फौज कई इलाकों में रूसी सेना को पीछे धकेल चुकी है। आज तक ब्यूरो। चीन के शंघाई में कोरोना वायरस की वापस से हालत बिगड़ गए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। शनिवार को महज एक दिन में 23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। फिलहाल शंघाई में सख्त लॉकडाउन है, इसके बावजूद कोरोना महामारी बेकाबू होती नजर आ रही है। दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोना की रफ्तार थम गई है और जनजीवन सामान्य हो चुका है, लेकिन चीन कोरोना वायरस की नई लहर से जूझ रहा है और यहां हर दिन रिकॉर्ड संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। सबसे खराब हालत देश के सबसे बड़े शहर शंघाई में है, जो कि कोरोना महामारी का केंद्र बन गया है। यहां मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में शंघाई प्रशासन अस्थायी अस्पताल बनाने में जुटा है। शंघाई शहर में हालात कितने ज्यादा खराब हैं, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज एक दिन में 22,600 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। हालांकि किसी के मौत की खबर नहीं है। फिलहाल शंघाई में सख्त लॉकडाउन है और लाखों लोगों को उनके घरों में ही कैद कर दिया गया है। साथ ही बड़े पैमाने पर टेस्टिंग जारी है। बता दें कि चीन के वुहान से ही 2019 में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। शुरुआत में चीन कोरोना महामारी को नियंत्रण करने में सफल रहा, हालांकि अब यहां कोरोना वायरस विकराल रूप धारण करता दिख रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन सरकार संक्रमित लोगों की संख्या जो बता रही है उससे कहीं ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। लंबे समय से चीन पर कोरोना से संक्रमित लोगों का सही जानकारी ना देने का आरोप लगता रहा है। आज तक ब्यूरो।
दक्षिण कोरिया में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के माने तो साउथ कोरिया में 9 साल और उसके कम उम्र के बच्चों में तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इससे वहां की सरकार की चिंता बढ़ गई है। साथ ही सरकार कोरोना वायरस को बच्चों में बढ़ने से कैसे रोके इस पर मंथन शुरू कर चुकी है। वहीं टीकाकरण की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया में 12 से 17 साल के युवाओं को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, जबकि 5 से 11 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया गया। इसके बाद कोरोना के मामले फिर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें, दक्षिण कोरिया में अब तक 18 लाख से ज्यादा बच्चे संक्रमित हैं, जबकि कुल 1,53,00,000 लोग अब तक इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। हॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज और एक्टर बेन एफ्लेक ने दोबारा सगाई कर ली है। 20 सालों बाद दोनों साथ आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं। 2002 में भी इन दोनों ने सगाई की थी, हालांकि 2 साल बाद ही दोनों के रास्ते अलग अलग हुए थे। दिनों शादी का मौसम चल रहा है और आम लोगों के साथ साथ मनोरंजन जगत के सितारे भी एक के बाद एक शादी के बंधन में बंधते जा रहे हैं। जल्द ही आलिया और रणबीर शादी करने वाले हैं। वहीं हॉलीवुड से भी एक स्टार कपल ने सगाई कर ली है। ये कपल कोई और नहीं बल्कि हॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज और एक्टर बेन एफ्लेक हैं। दोनों कई साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जेनिफर लोपेज ने अपनी सगाई की अंगूठी फ्लॉन्ट करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है, जिससे दोनों की सगाई की पुष्टि हो गई है। हालांकि दोनों ने कब सगाई की इसकी तारीख अभी सामने नहीं आई है। दोनों को पार्टीज, इवेंट्स, रेड कार्पेट के अलावा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए भी देखा गया है। इससे पहले बेन और जेनिफर ने साल 2002 में एक दूसरे को डेट किया था और दोनों की सगाई भी हुई थी, लेकिन 2 साल बाद दोनों अलग हो गए थे। हॉलीवुड की मशहूर सिंगर जेनिफर इससे पहले 3 बार शादी कर चुकी हैं। जेनिफर लोपेज ने 1997 में उजानी नोआ से शादी की थी, जो 1 साल बाद टूट गई। इसके बाद जेनिफर ने क्रिस जूट से साल 2001 में शादी की, जो 2 साल बाद टूट गई। फिर जेनिफर ने तीसरी शादी मार्क एंथनी से साल 2004 में रचाई और ये शादी 10 साल तक चली। अब जेनिफर लोपेज जल्द ही चौथी शादी एक्टर बेन एफ्लेक से करने जा रही है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ आज की दुनिया आज तक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।